देखो हमें 7, 12, 128, 635 दिया हुआ था और सेंटर में एक डैश था जिसे मैं फिल करना था, उसमें आंसर आएगा 33। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, जो भी नंबर हमें यहाँ से मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसे हम लाइन वाइज नंबर से मल्टीप्लाई और माइनस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने लिया 7, मतलब 8 दिया हुआ था, फर्स्ट नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से और माइनस किया 1 से, आंसर आया 7। तो 7 को आगे मैंने रख लिया, 7 के साथ आगे मैंने पैटर्न चलाया 7 × 2 − 2, जिसका आंसर आया 12। फिर मैंने 12 को आगे रखा, उसके साथ पैटर्न चलाया। अब आपको इतना पता लग गया कि मैंने आगे वाले नंबर्स कहाँ से लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं। तो ये नंबर सिंपल लाइन वाइज चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, समझ आया। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, x मल्टीप्लाई y माइनस y, कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से माइनस कर देना,